समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। मुंबई में लगातार रेल प्रशासन रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामानों की सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त और अलग अलग मुहिम चलाकर यात्रियों से निवेदन करती है। वो अपने सामान और अपनी सुरक्षा का ज़्यादा ख्याल रखें। इसके बावजूद कुछ यात्री ट्रेन में उतरते चढ़ते समय अथवा ट्रेन से सामान उतारते समय जल्दबाजी करते हैं और उनका कुछ सामान की जल्दबाजी की वजह से छूट जाता है। ऐसी एक घटना मुंबई LTT फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में देखने को मिली। वाराणसी से जब कल्याण पहुँची ट्रेन में एक परिवार का जल्दबाजी में सामान उतारने के चक्कर में 6 महीने का बच्चा ट्रेन में रह जाता है और ट्रेन चल पड़ती है, जिसके बाद परिवार वालों ने सूचना कंट्रोल रूम पर दी। कंट्रोल रूम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही RPF की टीम ट्रेन की उस बोगी में जाकर बच्चे को सही सलामत लाई और उनके परिवार को सौंप दिया। आनंद तुम पीछे हटो। कल्याण में रहते हो? अचानक से रह कैसे गए? किया गया है RPF की तरफ से, क्या घटना हुई थी, किस तरह से उसे अभी उनके पेरेंट्स को हैंडओवर किया जाए? एक्चुअली में हमें DSCR से मैसेज मिला कि ट्रेन नंबर 2168 जो कल्याण से खुली है उसमें एक यात्री कल्याण उतर गए हैं और उनकी छोटी बच्ची लगभग 6 महीने की, सामान उतारने के दौरान गाड़ी चल दी जिससे बच्ची छूट गई। ये मैसेज मिलने के बाद से मैं, मेरा महिला रक्षक स्टाफ व अन्य स्टाफ मिल करके गाड़ियों को प्लेटफार्म नंबर चार पे गाड़ी आई, उसको अटेंड किए, जिसके यशवंत कोच में सीट नंबर 2 पर उक्त बच्ची मिली। उस बच्ची को उतारे हम लोग, बच्ची सुरक्षित सही सलामत है, ले आए उसको रखे। फिर उसके जो नाना है, उसके गार्जियन है और उसकी मौसी जो थे साथ में, उन लोगों को संपर्क करके थाने पर बुलाया गया। फिर बच्चे को सही सलामत ठीक ठीक उन्हें सुपुर्द किया गया। हम रेलवे यात्रियों से उन्हें यही कहना चाहेंगे कि वो जब भी यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान सबसे पहले तो खुद की सुरक्षा, उसके बाद से सामान की सुरक्षा, इस तरह से कभी भी यात्रा कर रहे तो स्वयं की सेफ्टी रखें तथा सामान जो है उसे स्टेशन आने से पहले व्यवस्थित देख लें, व्यवस्थित कर लें और गाड़ी रुकने के बाद से सामान को आराम से उतारें, चेक करें, कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सभी गाड़ियों का स्टॉपेज स्टेशनों पर पर्याप्त होता है पैसेंजरों को चढ़ने तथा उतरने के लिए।